नमस्कार, भाग्य दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं 16 और 17 जुलाई की मध्य रात्रि को जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, उस ग्रहण के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कितने बजे यह ग्रहण स्टार्ट होगा और कितने बजे तक चलेगा, और इस ग्रहण में विशेष करके गर्भवती स्त्रियों को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। तो मित्रों, 16 और 17 जुलाई के बीच यानी मंगलवार रात्रि को 1:32 से ये खंड ग्रास चंद्र ग्रहण स्टार्ट हो रहा है और 4:30 तक ये चलेगा। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को काफी अहमियत दी जाती है और मान्यता भी है चंद्र ग्रहण की कि जब जब चंद्र ग्रहण आता है तो उस समय धरती पर पूजा पाठ का समय जो है वो प्रभावशाली हो जाता है। इस बार ये चंद्र ग्रहण अषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में लग रहा है। यह चंद्र ग्रहण खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है और इस बार चंद्र ग्रहण का समय 3 घंटे का है, लगभग पूरे 3 घंटे का यह समय है। और ये जो ग्रहण काल है इसमें गर्भवती स्त्रियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से ग्रहण के समय में बहुत से कार्यों को करने की मनाही भी होती है। इस दौरान मंदिर बंद कर दिए जाते हैं और पूजा अर्चना भी नहीं होती है। ग्रहण के दौरान सिर पर तेल लगाना, खाना खाना और खाना बनाना, ये दोनों वर्जित है। और ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया कार्य स्टार्ट नहीं किया जाता है, शुभ कार्य करना वर्जित होता है। घर में खाने पीने की चीजों को ढककर रख दिया जाता है, साथ ही उसमें तुलसी के पत्ते को डाल दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को, खास करके गर्भवती जो महिलाएं हैं, उनको ग्रहण के दौरान विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव उनके जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो चंद्र ग्रहण के दौरान वायुमंडल में बैक्टीरिया और संक्रमण का प्रकोप तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे में भोजन करने से संक्रमण अधिक होने की आशंका रहती है, इसलिए ग्रहण के दौरान भोजन करना, खाने पीने की चीजें अवॉइड करनी चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। चंद्र ग्रहण पर गर्भवती महिलाओं को चाकू, कैंची या किसी भी धारदार चीज से कुछ भी काटना नहीं चाहिए, इससे बच्चे पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी इस वजह से बच्चे का शरीर भी कटने का निशान आ जाता है, इस तरह से वेद और शास्त्र कहते हैं। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को सिलाई भी नहीं करनी चाहिए, इससे गर्भ में पल रहे बच्चे का शारीरिक जो विकसित भ्रूण होता है उस पर पूरी तरह से इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी गर्भवती महिला को चंद्र ग्रहण के समय भोजन पकाना और भोजन खाना नहीं चाहिए। किसी भी तरह ग्रहण की किरणें अपने गर्भ पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जिस समय ग्रहण हो उस समय घर के अंदर ही रहें, घर के बाहर ना आए। चंद्र ग्रहण के समय किसी भी गर्भवती महिला को सजना और संवरना नहीं चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय किसी भी महिला को कोई भी घरेलू काम नहीं करना चाहिए। किसी भी गर्भवती महिला को चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, नहीं तो इसका असर उसके होने वाले बच्चे पर बुरा पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण के समय जितना हो सके अपना पूजा पाठ में समय लगाएं, और चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी गर्भवती महिला को सोना भी वर्जित है, सोना नहीं चाहिए। सिर्फ पूजा पाठ में अपना मन लगाएं, भगवान का सुमिरन करें, इससे आपके जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ताकि यदि आप पूजा पाठ करते हैं चंद्र ग्रहण के खत्म होने पर गर्भवती महिला को एक बार स्नान जरूर करना चाहिए। और जिस समय ग्रहण का मोक्ष होता है उस समय दान की प्रक्रिया होती है, सफेद चीजों का, आटा, चीनी, चावल, दूध, इन चीजों का आप दान कर सकते हैं। ये जो ग्रहण है ये भारत में तो होगा ही होगा, इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तर पूर्वी जो भाग है एशिया के उनमें, और अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश भागों में ये ग्रहण दिखाई देगा। और जो ये ग्रहण है, इस समय किया गया जो पूजा पाठ है वो
चौगुना फल उसका प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये थी ग्रहण की विशेष जानकारी गर्भवती महिलाओं के लिए। और जो ग्रहण का दूसरा हमारा वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, उसमें ग्रहण का समय और सूतक काल के बारे में खास जानकारी दी हुई है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसे लगा, इसे जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।